जी, सोमवार से नया सप्ताह शुरू होने वाला है। इस नए सप्ताह में सभी राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। यह सप्ताह मेष राशि वालों का शुभ रहने वाला है, यात्रा का योग बन रहा है और जितने भी अधूरे कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, सभी सप्ताह में पूरे होने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वाले का विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, यह सप्ताह में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सफलता के कगार पर हैं, जो भी आपका काम है सब पूरा होगा। मिथुन राशि वाले शत्रु से सावधान रहें, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने वाली है, घर में विवाद होने वाला है, इसलिए कोई भी कार्य करें तो सोच समझ करके करें। कर्क राशि वाले का किसी वजह से तनाव हो सकता है, आपका मानसिक तनाव होगा, घर में विवाद चाहे बाहर में, उससे विवाद से आपको बचना है, नहीं तो आपको घाटा होगा। सिंह राशि वाले का आत्मविश्वास में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी के कारण आपका काम बिगड़ सकता है, इसलिए कोई भी काम करें तो आत्मविश्वास के साथ करें। कन्या राशि वाले वाद विवाद से बचें, इस सप्ताह में फिजूल किसी से ज़्यादा बहस न करें, बहस करने से आपको घाटा हो सकता है। तुला राशि वाले का हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, आपका व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी, आप निष्ठा के साथ कार्य करें। वृश्चिक राशि वाले का इस सप्ताह में यात्रा का योग बन रहा है, जाकर के इसमें सहयोग कर सकते हैं, ऐसा आपका योग बन रहा है। वृश्चिक धनु राशि पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य का योग बन रहा है, आप धार्मिक कार्य में भाग लेंगे। धनु राशि वाले का पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, आपका पारिवारिक सुख जो है बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मकर राशि वाले अपने कार्य पर फोकस रखें, यह सप्ताह आपको घाटा देने वाला सप्ताह है, इसलिए अपने कार्य को अपने ढंग से करें, किसी के ऊपर आप जो है आत्मविश्वास के साथ किसी पर भरोसा न करें। कुंभ राशि वाले का बहुत अच्छा रहने वाला है यह सप्ताह, आपका भाग्य साथ देगा, आपका हर कार्य पूरा होगा और अध्यात्म से जुड़ने का बहुत अच्छा समय है, आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे। मीन राशि वाले का किसी के ऊपर यह सप्ताह आप आंख मूंद करके भरोसा न करें, आपको अपना आदमी ही धोखा देगा, इसलिए अपनों से सावधान रहने की आवश्यकता है।